हेलो फ्रेंड्स, आज बनाने जा रही हूँ मूंग दाल पिज़्ज़ा। तो ये धुली हुई मूंग है जो पीली वाली होती है, इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था और अब इसका पानी मैंने निकाल दिया और तीन चार पानी से धो के, अब ये देखिए ये कुछ इस तरह है। अब इसको हम पीस लेंगे। तो चलिए दाल को डालते हैं जार में। सारी दाल हम इसमें डाल देंगे। दो हरी मिर्च काटी है, अब इसको ग्राइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे पानी अभी, कि एक अच्छा सा इसका बैटर तैयार हो जाए। पेस्ट हमारा तैयार है, ये देखिए मैंने निकाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी, एक चौथाई चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर में डालेंगे, थोड़ा सा इनो डालूँगी मैं घी। घी पिघल गया, अब डालेंगे इसमें हम जो हमने बैटर बनाया मूंग दाल का। फैला देंगे, पूरा फैला देंगे, और इसको हम धीमी आंच में पकने देंगे। ये देखिए मैंने पूरा फैला दिया और धीमी आंच में पकने देंगे इसको। हम गैस कम कर लेते हैं, आराम आराम से इसको इसको दूसरी साइड पलट देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा और हम घी डालेंगे, आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, मक्खन का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि आपको घी का ही इसमें यूज़ करना है। तो साइड में डालेंगे, थोड़ा सा घुमा देंगे ताकि सारा घी पूरे साइड चला जाए। ये लिए मैंने चीज़, और यह है प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। अब हम इस पे लगाएंगे शेजवान चटनी, इसके बेस पे लगाएंगे हम। ये अच्छे से फैला दिए मैंने, अब डालेंगे पहले थोड़ा चीज़, डालूंगी मैं इसमें थोड़े प्याज, थोड़े टमाटर, थोड़ा
थोड़े डालूंगी मैं हरी शिमला मिर्च, अब इसमें बीच में से लगा दूंगा हल्के कट, ताकि जो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो अच्छे से पक जाए। इसको हम पहले भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर से डालेंगे हम और चीज, तब इसको हम कवर कर देंगे जब तक कि हमारा चीज अच्छे से पिघल ना जाए। देख लेते हैं हमारा पिज्जा तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए चीज भी अच्छे से पिघल गई है। गैस करते हैं बंद और इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे, अब ऊपर से डालेंगे हम चिली फ्लेक्स। अब इसको कट कर लो। तैयार है हमारा मूंग दाल पिज्जा।